हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल से एक बेसिक ऑब्जेक्ट स्टडी कैसे की जाती है। और ये वीडियो बेसिकली बिगनिंग लेवल के लोगों के लिए है। देखो, फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल से फ्री हैंड ड्राइंग की जाती है, जैसे आप नॉर्मली पेपर पे करते हैं। मैं इसी में सेम तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ। तो जिन लोगों का फ्री हैंड काम अच्छा होता है या जो मैनुअली काम अच्छे से करना जानते हैं, उन्हें ब्रश टूल चलाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, इजीली वो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैप्सिकम ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने कर दी है ये एक, इसकी बेसिक ड्राइंग ले ली है। अब मैं इसमें कलर सेलेक्ट करके एक सारे एरिया में एक बेस कलर लगा रहा हूँ जो सारे एरिया को फिल कर देगी। एंड कोशिश करें कि जो बड़ा एरिया होता है उसके लिए बड़ी ब्रश का इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है, ब्रश के साइज़ को कम कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो जब हम बड़े एरिया में करते हैं तो जल्दी फटाफट ड्राइंग करने के लिए, फटाफट शेडिंग करने के लिए बड़े एरिया को यूज़ कर सकते हैं, और जब एरिया छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर ब्रश के साइज़ को कम कर सकते हैं हाथों हाथ। और दूसरा, इसमें ओपेसिटी का भी एक सिस्टम होता है कि आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत डार्क टोन नहीं करनी है एक ही बार में, सपोज मैंने ये जो डार्क टोन की है थोड़ा ऑरेंजिश और कैडमियम येलो टाइप से वर्मिलियन मिक्सचर, तो उसमें आपको एकदम से डार्क टोन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने अब ग्रीन टोन देखो करनी स्टार्ट कर दी है, तो ग्रीन में भी एकदम सडनली मैंने डार्क नहीं किया, ओपेसिटी मैंने थोड़ी कम की हुई थी, तो मैं धीरे धीरे करके उसको डार्क कर रहा हूँ। प्लस क्या होता है, देखो मैं साथ साथ ग्रीन के जो डार्क टोन्स हैं वो भी साथ में ले रहा हूँ। और एक अच्छी बात इसमें यह है, देखो जूम करके भी काम करना पॉसिबल होता है। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसको जूम कर सकते हैं, तो आप छोटे एरिया में आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। तो ब्रश को भी आप उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जो स्क्रीन का साइज़ है उसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से। तो इस टाइम पर मैं जो ब्रश के साइज़ हैं उन पर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि बार बार ब्रश के साइज़ को कम ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे काम करोगे। तो जैसे मैं अगर छोटे छोटे पॉइंट काम करना होगा तो ब्रश का नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर मैं बड़े एरिया में काम करूँगा तो ब्रश का नंबर बढ़ाया जाएगा। एक अहम बात जो है बहुत ज़रूरी, वो ये कि जिन लोगों का मैं शुरू में भी बताया था कि जिन लोगों का मैनुअल काम यानी जो पेपर वर्क बहुत अच्छा होता है, जो पेपर पर ड्राइंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके लिए इस पे काम करना ख़ास तौर से ब्रश टूल से बहुत आसान हो जाता है। एक सॉफ्टवेयर सीखना और सॉफ्टवेयर से पहले मैनुअली भी आना, ये एक प्लस पॉइंट होता है उन लोगों के लिए। तो जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाते हैं या डिजिटल आर्ट में जाते हैं, मैं उनको हिदायत दूंगा कि वो मैनुअल ड्राइंग भी करना साथ में सीखें, तो यहाँ पे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए, जैसे मैंने एक बेस टोन लगा दी थी इसकी टोन में, अब वहाँ पे मैं थोड़े डार्क शेड लगा रहा हूँ। तो डार्क शेड लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए कि बेसिक टोन करना तो आसान है, लेकिन कहाँ कहाँ पे अब हमें डार्क डार्क एरिया लगाने होंगे। डार्क में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डार्क है और एक वाइट है, एक डार्क है और एक लाइट है, ऐसा नहीं है। डार्क के भी वेरिएशंस हैं। नॉर्मली जब हम ब्लैक एंड वाइट में जब काम करते हैं, मैं ब्लैक एंड वाइट शुरुआती टाइम में प्रेफर करता हूँ कि कोई कोई भी बिगनिंग लेवल का पर्सन ब्लैक एंड वाइट में ज़रूर काम करे। तो उनको मैं ये हिदायत देता हूँ कि जो जो वाइट से लेकर ब्लैक तक के बीच के जो शेड्स हैं वो कैसे हैं आपको पता होने चाहिए। वो समझ जाओगे तो कलर में करना आसान होगा। तो अभी जैसे मैं कलरिंग कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, देखो मैंने एक और डार्क टोन ले ली है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने शुरुआत में क्या किया, हमने पहले बेसिक टोन लगा दी, फिर धीरे धीरे करके हम लोग डार्क की तरफ जाने लगे, और वो भी एक एक करके। अब देखो कलर वेरिएशन है हल्की हल्की। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कलर थ्योरीज क्या होती हैं। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट स्टडी के अंदर जो रोल आता है वो एक दिन का नहीं है, आपको काफ़ी काम करना होगा। और कलर थ्योरी तो मैक्सिमम स्कूल्स में भी कराई जाती है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं। तो और जो ऑब्जर्वेशन है वो हर एक चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे ड्राइंग को लेकर हो, चाहे ओवरऑल इफ़ेक्ट को लेकर हो, कहाँ लाइट आएगा, कहाँ डार्क आएगा, वो हमें पता होना चाहिए। अभी देखो जैसे मैं इसके अंदर और डार्क टोन्स लगा रहा हूँ, ब्रश का साइज़ मैंने छोटा कर दिया है, थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए इसके अंदर। तो अब वो धीरे धीरे करके उसके अंदर जो डिटेलिंग है वो बढ़ती जाएगी। फोटोशॉप का एक बहुत अच्छा
पार्ट ये है कि आप कुछ गलतियों को, अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उसमें उसको छुपा सकते हो। मैनुअली में थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि आप जल्दी से नहीं छुपा पाते, पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, बट उसका एक एक अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी जैसे मैं डार्क टोन कर रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ब्रश के कई सारे वेरिएशंस मेरे मिल जाते हैं, अगर आपको ब्लर ब्रश यूज़ करना है। अभी देखो, जैसे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए अलग टाइप का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे ये देखो, तो यहाँ पे आपको अलग ब्रश मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही स्क्रीन में आपको अलग वैरायटी के ब्रश मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम काम है वो आपका ब्लर जो ब्रश होता है, ब्रश टूल के अंदर एक ब्लर पार्ट होता है, उससे मैक्सिमम काम हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा फोकस दिखाना है तो एक शार्प ब्रश आता है, ये एक मैक्सिमम ऐसे ब्रशेज होते हैं, बेसिक ब्रशेज जो आपको हर फोटोशॉप के अंदर शुरुआती पार्ट में ही मिल जाएंगे। प्लस आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको नए टाइप के इफेक्ट चाहिए तो आप ब्रश के जो प्रीसेट्स होते हैं वो भी आप फोटोशॉप के डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से मिल जाते हैं। ब्रश के प्रीसेट्स नाम से डालोगे तो अवेलेबल हो जाएगा, तो उनके जो प्लगइन्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो बनाई गई है ये बिगनिंग लेवल के लोगों के लिए, कि जिनको जो अभी बिल्कुल शुरुआती पार्ट में हैं। तो और मेरा हमेशा यही मानना है, जैसे हम लोग मैनुअली भी कराते हैं और डिजिटल भी सिखाते हैं, साथ में फोटोग्राफी भी कराते हैं, तो हर एक पार्ट के अंदर आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। जितना इजी वर्क से स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा आप उसका जितना ज़्यादा बेसिक पार्ट उसमें करोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपके लिए उसके ऊपर जाना आसान होगा। साइड में देखिए एक लेयर सिस्टम है, अभी देखो मैं इसकी हाईलाइट निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो उसका और अच्छा हो जाए, और थोड़ा थोड़ा टोन्स में फ़र्क आएगा कि आपको ये, वही जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था कि वो जो हाईलाइट है वो वाइट कलर की है या येलो कलर की है, येलो में कौन सी टोन है, थोड़ा ब्लर है, तो ये सब एक ऑब्जर्वेशन एक ऐसा रोल है जो चाहे आप फोटोग्राफी करें, चाहे आप डिजिटल में जाएं, चाहे मैनुअल करें, उसका आपको ख्याल हमेशा रखना होगा। आप चाहे बिगनिंग लेवल पे हैं चाहे प्रो लेवल पे हैं, आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके प्रोडक्शन टाइम को बचा देता है। ऑब्जर्वेशन को एक टाइप का प्री प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कि आपने पहले से प्लानिंग कर दी, ऑब्जर्व कर लिया कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, तो अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए काम करते टाइम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी देखो जैसे शेडो है, तो जनरली जो शेडो है लोग ग्रे कलर की शेडो बनाते हैं या उसको ब्लैक से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, शेडो हमेशा सेम ब्लैक या ग्रे कलर की नहीं होती है, रिफ्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि उसकी ओवरऑल रिफ्लेक्शन क्या आ रही है, सरफेस कैसा है, सरफेस पे वो रिफ्लेक्शन कैसी लगेगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पर्पल टोन ली है, पर्पल में वॉलेट टोन सी हो गई, वो डार्क टोन लगाई है। अभी आगे जाके मैं इसमें हल्का सा येलो स्टोन का रिफ्लेक्शन भी डालूंगा जो कैप्सिकम का होगा। तो आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर कि ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपकी जो हैंडलिंग है, आपके हाथ की हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप फोटोशॉप में वो ठीक करने जाओगे उससे जल्दी आप मैनुअल में कर सकते हो, और एक बार मैनुअल में वो हैंडलिंग ठीक हो गई तो फोटोशॉप में करना और आसान हो जाएगा। अब मैं इसके साथ साथ इसमें थोड़ा डार्क टोन ऐड कर रहा हूँ, प्लस साथ में आप इसका लेयरिंग में काम भी करें। लेयरिंग के लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि लेयर में काम करना में क्या बेनिफिट होते हैं। फोटोशॉप में मोस्टली काम लेयर में ही किए जाते हैं मोस्टली। अब धीरे धीरे करके इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हल्का सा हम इसके अंदर मिक्सिंग ऐड कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी टोन की थी, अब क्या होगा, हमने हाईलाइट्स भी डाल दी, शेडो भी डाल दी, अब थोड़ा थोड़ा उसको और ज़्यादा ऑब्जर्व करके और अच्छे से जहाँ जहाँ पे करेक्शंस की जा सकती हैं, जिसको हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, हल्का हल्का हम वो करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी भी एक एरिया में अपने काम कर दिया और वो कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
आप बार बार जब काम करते हो तो उसके बाद को थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो और काम हो सकता था, यहाँ पे तो और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। अल्टीमेटली तो हम इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं, तो वो बार बार करनी पॉसिबल है। और जब तक आपके अंदर पेशेंस है, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहो, क्योंकि अब ये हर इंसान की जो पेशेंस लेवल है वो सबका अलग अलग होता है। ज़्यादातर लोग थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं, बोलते हैं हो गया बस, काफ़ है काफ़ी है, इतना तो चलता है। इतना नहीं चलता भाई, आपको जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाओगे उतना ज़्यादा वो देखने में और अच्छा लगेगा। तो पेशेंस लेवल इसके लिए एक अच्छा चाहिए होता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। जब हम लोग शेडोज पर काम कर रहे हैं तो और डार्क डार्क शेडो कर दी, तो उसकी जो विथ है वो और बढ़ गई, थिकनेस है जो, यानी कि उसका जो वेट है, जो वेट है वो और बढ़ गया है। प्लस क्या होता है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ऑब्जर्वेशन, अभी शुरुआत में मुझे नहीं लगा था कि नीचे रेड टोन लगाने चाहिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो हल्के हल्के टोन और होनी चाहिए, उससे क्या होता है उसका और रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा। स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की लाइफ टाइम चलती है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो कह दे कि मैंने दुनिया में हर एक चीज़ की स्टडी कंप्लीट कर ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो जिस इंसान को आगे बढ़ना है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो क्या करेगा, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेगा। अभी देखो हम लोग बाहर से क्या किया, मैंने बाहर से ये मैं साइड से क्या कर रहा हूँ, इसके जो एजेस हैं वो थोड़े थोड़े और क्लीन कर रहा हूँ इरेज़र टूल से, ताकि जो जो लाइंस थी जो एक्स्ट्रा निकली थी उनमें हल्का हल्का मैं करेक्शंस कर रहा हूँ। देखो अब और जूम करके जो काम हो रहा है, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एंड में आके जिसके अंदर और करेक्शंस होती हैं वो बाद में दूर से अच्छा लगता है। अभी ग्रीन पैप में भी होगा, डेप्थ डालनी है तो डेप्थ डालने के लिए थोड़ा डार्क टोन करनी होगी। फोटोशॉप के अपने काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। देखो अब धीरे धीरे करके इसकी डेप्थ है वो और बढ़ रही है। बार बार ब्रश टूल को, उसको जो ब्रश टूल का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा किया जा रहा है, और ऐसे नहीं होगा कि एक ही ब्रश टूल हर जगह इस्तेमाल होगा। उसका आप बहुत ख्याल रखें कि ब्रश टूल के साइज़ पर जरूर काम करें। ऐसा नहीं है कि वो आसान है, कोई भी चीज़ जो सिंपल लगती है वो हमेशा आसान नहीं होती है, उस सिंपल चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस वो आप अगर रेगुलर अपनी हैबिट में लाएंगे तो धीरे धीरे करके वो परमानेंट हो जाएगा। मैं तो थोड़ा डेप्थ डालने के लिए डार्क टोन्स लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर हाइलाइट्स भी डलेंगी, देखो सब में हल्के हाइलाइट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगी। देखो प्लस हल्का हल्का कलर की वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ द वे टोन्स जा रही हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा कलर स्कीम का पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी कलर है। ये भी घूम फिर के बात ऑब्जर्वेशन पे आ गई है कि आपके पास जो रेफरेंस है, आप जहाँ से स्टडी कर रहे हो वहाँ पे देखो कौन कौन से कलर टोन्स आ रही हैं। तो ये सब मैनुअल से ही शुरू होता है, कोई भी डिजिटल पार्ट जो होता है वो मैनुअल से ही स्टार्ट होता है। आपका पेपर वर्क जितना स्ट्रांग होगा, बेसिक वर्क जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा डिजिटल में आपको आसानी आएगी। और आप चाहें तो जो स्टडी है इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप उसको रुक रुक के कर सकते हैं। कई सारे मीडियम्स में ये कुछ मीडियम्स में ये मुश्किल होती है कि आप आर्ट वर्क को बीच में रोक नहीं सकते हैं, और आपको वन गो में ही पूरा करना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी वन गो में हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप फाइल है, आप फोटोशॉप की फाइल है, आप रोक सकते हैं, रोक के काम कर सकते हैं। ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। अभी देखो हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन पर काम कर रहे हैं वापस। कभी कभी क्या होता है, एक एक टाइम एक ही जगह पे काम करते करते इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है, उब जाता है, तो फिर आप दूसरे एरिया पे आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम लोग इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं हल्के लिए। मुझसे कई बार स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर वो इफ़ेक्ट कैसे आएगा, सर ये इफ़ेक्ट कैसे आएगा। इफ़ेक्ट
कोई भी दुनिया का, सिर्फ आपके ड्राइंग और शेडिंग के तरीके से आ जाता है। आपको एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए, एक कॉमन तरीका पता होना चाहिए कि मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में पता है और आप अच्छा ऑब्जर्व करते हैं तो आप किसी भी टाइप का इफेक्ट जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जल्दी से ऑब्जेक्ट निकाल पाओगे। देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो फाइनल एरिया है। ऐसा नहीं कि जब मैं इसको फाइनल कर दूँगा, एक फाइनल आउटपुट दे दूँगा तो वो बिल्कुल लास्ट आउटपुट होगा, यानी कि उसमें और गुंजाइश नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी अगर गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हमारी एक टाइम लिमिट होती है कि हम लोग एक लिमिटेड टाइम तक ही वो आपको डेमो दे सकते हैं। तो बट इनिशियल लेवल पे, बिगनिंग लेवल के हिसाब से ये एक ठीक वर्क है मेरी नज़र में। कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कुछ इरेज भी करना होता है, तो इसके अंदर लेयर पैलेट का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अच्छा रोल होता है। इसमें अच्छी बात मतलब यही है कि जैसे हम लोग मैनुअली में काम करते हैं, अब इसमें एक प्लस पॉइंट ये आ गया जो मैनुअल में नहीं है। मैनुअल में क्या होता है कि आपको, आपके पास एक ही सर्फेस होता है, जैसे आप शीट है तो एक सिंगल शीट है, या अगर कैनवास है तो एक सिंगल कैनवास है, उसी आपको ही उसमें ही जो भी एडिटिंग करनी है, ऐड एंड रिमूव करना है, वो इसमें होगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फायदा ये होता है कि इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स के ऊपर आप काम करते हो, एक सिंगल लेयर पे नहीं काम करना होता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर एरिया को हाइड कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, और उसको बाद में इंक्लूड करना हो तो बाद में इंक्लूड हो जाता है वो। तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी सारी इसके अंदर। देखो जो मैं इसकी बात कर रहा था कि हल्का हल्का रिफ्लेक्शन हमें और डालना है ताकि वो लगे कि हाँ, कि हाँ फ्लोर पे वही कैप्सिकम रखी है, वो किसी और कलर की नहीं रखी, तो रिलेट हो जाता है। तो क्या होता है, शेडो थोड़ी सी रिलेट होती है और वेट जो है वो तो डाइवर्ट होता ही है। अब कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, आप सिर्फ इस बात पर परेशान मत हो कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आएगी। लाइट एंड शेडो एक अलग एक सब्जेक्ट है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप ये देखें कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस लाइव भी कर सकते हैं और आप कोई रेफरेंस भी ले सकते हैं। सपोज़ आप चाहें तो कोई इंटरनेट से फोटोग्राफ ले लीजिए, या आप चाहें तो आप किचन से या कहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लीजिए और उसको सामने रख के उसको देख के बनाएं। मैं प्रेफर करूँगा वैसे लाइव, कि आप सामने रख के उसको देख के बनाएं। जो लोग गेमिंग में जाना चाहते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, एनिमेशन का जिनको शौक है, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और आप फोटोशॉप के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये तो एक बेसिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, इसके अलावा पोर्ट्रेट में भी आप काम कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी हो सकता है काम, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी होता है, आपको कोई एनाटॉमी स्टडी करनी हो भी होगा, आप स्केचिंग करना चाहते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लस फोटोशॉप का एक अच्छा एक एडवांटेज है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाली जा सकती हैं, आपकी कॉपी सिर्फ एक जगह पे सेव नहीं है, आप कई जगह पे सेव कर सकते हैं, कई लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।